13 things you have to do as an actor, as an artist. अगर आप ये 13 चीज़ों को अपने घर पर स्टार्टिंग के दौरान करना शुरू कर देते हैं तो शायद आपको एक उस तरह का रूटीन समझ में आ जाएगा जो कि एक एक्टर और एक आर्टिस्ट अपने जीवन में उसको फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज 13 उन चीज़ों के बारे में जानना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए, जो भी फ्रेशर हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको 50 मिसलेनियस आर्टिकल इन अ डे, आपको 50 आर्टिकल रोज़ पढ़ने चाहिए जो कि कहीं भी किसी भी टॉपिक पर हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 चैप्टर्स थ्योरी बुक, किसी भी थ्योरी बुक के आप 3 चैप्टर रोज़ाना पढ़ें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इन तरह की चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली वो प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, राइट? 1 सीन और अ मोनोलॉग इफ नॉट ऑडिशनिंग, समटाइम्स 1 सीन मे टेक 3 डेज, राइट? एक सीन आपको मोनोलॉग जरूर करना चाहिए, राइट? अगर आपका ऑडिशन नहीं है तो भी ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है जब आप एक्टर या आर्टिस्ट बनने के बारे में सोच रहे हैं। इंटरेक्शन टू द आउटर वर्ल्ड 4 आवर्स, यानी कि आउटर वर्ल्ड के बारे में आप 4 घंटे के लिए सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी कि न्यूज़ देख सकते हैं और कुछ ब्लॉग्स वगैरह पढ़ सकते हैं कि क्या हो रहा है देश में और किस तरह की चीज़ें आजकल हो रही हैं, आप वो भी देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। 5th पॉइंट है कि आपको 1 आवर फिजिकल एक्टिविटीज़ इन अ डे फ्रॉम योगा, MMA एंड फ्री हैंड, यानी कि आप 1 घंटा अपना एक्टिविटीज़ में ज़रूर निकालें, यानी कि आप योगा कर सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। अब आप चाहे फिजिकल एक्टिविटीज़ में कुछ भी करें, चाहे आप जिम जाते हो, चाहे आप घर पर ही डंबलिंग वगैरह करते हो, या फिर आप अपने आप को रिलैक्स करें, यानी कि अपनी बॉडी पर भी ध्यान दें ताकि इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ बॉडी और यानी कि यू नो लाइक दैट आपको एक मसल्स वाला मैन बनकर दिखाना है, नॉट लाइक दैट। ये उनके लिए है जो लोग रेगुलर करते हैं और अपने आप को अलग तरह की चीज़ों में डालना शुरू करते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। नंबर 6, नेटवर्किंग साइट 1 आवर एंड एवरी पिंग जस्ट चेक एंड लीव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, यानी कि आप किसी भी नेटवर्किंग साइट पर जाइए और उसको 1 घंटे के लिए आप देख सकते हैं। 1 घंटे आप किसी भी नेटवर्किंग साइट पर जाइए, देखिए, चेक कीजिए कि वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है जो मेरे लिए रिलेटेड है, यानी कि अगर आपको उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, अन्यथा उसको छोड़ दीजिए। और यदि आपको कोई पर्सनली मैसेज करता है आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इन सब जगहों पर, तो आप कृपया करके देखते रहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग आपकी चीज़ों को देखकर भी आपको बुला लेते हैं, राइट? तो हो सकता है कि कोई आपको याद कर रहा हो, एज एन किसी कास्टिंग डायरेक्टर का अगर आपके पास मैसेज आया है और आप अगर डेली रूटीन में चेक नहीं कर रहे हैं तो आपसे मिस हो सकता है, राइट? 7th पॉइंट है आपका कुकिंग डेली दलिया, राइट, विद मिक्स वेज और नॉन वेज, डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप वेज खाते हैं तो वेज, नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज, यानी कि दलिया के फॉर्म में आप ले सकते हैं उसको, उस तरीके से दलिया भी बना के खा सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर यू ऑल। 10 मिनट पूजा कीजिए और उसके बाद नहाइए, फिर उसके बाद जो भी आप करते हैं आप वो करते रहिए, यानी कि 10 मिनट्स पूजा जस्ट आफ्टर बाथ, वॉट एवर टाइम द बाथ हैपन्स टू बी, ओके। 9th नंबर है 15 मिनट्स कॉल टू इनमेट्स, यानी कि आप 15 मिनट अपने परिवारजनों से, अपने दोस्त यारों से, अपने जो लोग आपके इस काम में हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं 15 मिनट के लिए। ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया हो जाती है क्योंकि आप अपने आप को रिलैक्स करना होता है और बाहर की दुनिया से भी अपने आप को कनेक्ट करके रखना है, तो उस तरीके से आप बात कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 आवर्स गपबाजी विद ओनली आइडियाज़ आर डिस्कस्ड नॉट अबाउट द पीपल, राइट, ये एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2 घंटे के लिए आप किसी के पास जा सकते हैं या फिर आप किसी को घर बुला सकते हैं और 2 घंटे या 2.5 घंटे के लिए आप रेगुलर बेसिस पर यू नो गपबाजी कर सकते हैं, लेकिन किसी इंसान के बारे में, व्यक्तिगत किसी इंसान के बारे में बात ना करें क्योंकि वो नेगेटिविटी पैदा करती है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
नेगेटिविटी से बचना है, बस ये याद रखिएगा। 11 नंबर है 1 MMA और फाइटिंग सीक्वेंस एक्टिंग एक्शन थिंग्स ऑफ 20 मिनट्स, यानी कि कोई भी एक्शन जो होता है, फिल्म जो होती है, उस तरह की चीज़ों को आप देख सकते हैं। यानी कि 20 मिनट के लिए आप एक्शन फाइट सीन्स भी देख सकते हैं, फाइट एक्शन देख सकते हैं, जैसे कि WWE हो गया, उन तरह की चीज़ों को भी आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोग फेस का एंगरनेस होता है, या फिर जो भी, यू नो, ऑब्जर्वेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड 12 नंबर इज 2 एपिसोड्स ऑफ अ वेब सीरीज और अ फिल्म, 1 एक्टिंग रिलेटेड वीडियो फॉर लर्निंग प्रोसेस। ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि यदि आप 2 एपिसोड देखेंगे लगातार एक दिन में, तो ये भी एक बहुत अच्छा जरिया हो जाएगा। आपको फ्रस्ट्रेशन भी महसूस नहीं होगा कि आप एक दिन में पूरी पिक्चर देख डालिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप 3 घंटे की पिक्चर है, 2.5 घंटे है, तो देख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, देख लीजिए। लेकिन कहा गया है कि 2 एपिसोड तो एटलीस्ट आप देखिए ही, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी रूटीन हो जाता है, जो कि एक एक्टर और आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्विकली चेकिंग आउट एंड ड्रॉपिंग टू कास्टिंग ऑफिसेज इफ एनीथिंग कम्स अप और एनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैन हैपन, यानी कि एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए, क्या कोई कास्टिंग की तरफ से कोई आपके पास मैसेज आया है, या फिर आप कहीं गए थे तो उनसे कुछ रिप्लाई आपको आया है, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो अगर वो आपके पास आ रही है इन्फॉर्मेशन और कुछ आया है, तो उसको ज़रूर आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप उसी चीज़ के लिए आप मुंबई में रह रहे हैं, और जब आप इन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, तो एक डेली रूटीन आपका ये चलना शुरू हो जाता है। ये 13 पॉइंट, जो 13 पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, ये हर एक्टर, हर आर्टिस्ट, हर फ्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे ना हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी स्टेट या सिटी में हो। बस आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप इन तरह की एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है, और जब आप इसको करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानकर चलिए कि आपका एक अलग ही पॉइंट निकल कर आने वाला है, आप एक अलग ही तरीके के इंसान और व्यक्तित्व में आपके अंदर निखार आना शुरू हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो का मतलब, समझ गए हैं, और इससे अगर आपको कोई भी बेनिफिट हुआ है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि ये एक हमारी कई वीडियोस में से सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। उम्मीद है कि आप ज़रूर समझे होंगे। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।